बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा अहबाब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद कर्रा से पूरे पाकिस्तान में मुलगीर पुरअमन एहतजाज जारी है और इस एहतजाज को सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया के मीडिया की कवरेज मिल रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि बाजी एक बार फिर पलटने जा रही है। दूसरी जानब मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें भी खुलकर इमरान खान की हिमायत में सामने आ चुकी हैं। इस ज़िमन में अफगान तालिबान ने भी इमरान खान हुकूमत के खात्मे पर अपना फैसला सुना दिया है। अफगान तालिबान ने कहा कि अफगान तालिबान के बरसरे इख्तदार आने के बाद इमरान खान ने ही हर फोरम पर अफगानिस्तान के मसाइल को उजागर किया है। इमरान खान ही की कोशिशों से इस्लामाबाद में OIC के वज़रा खारजा का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर जोर दिया गया था। अफगान तालिबान हुकूमत के नायब तर्जमान अनामुल्ला समगानी ने कहा कि अफगान हुकूमत दोनों ममालक के दरमियान अच्छे इक्तसादी और सियासी तलुकात की खां है। दूसरी जानब अफगान तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान अफगानिस्तान के अवाम और हुकूमत के माशी तलुकात को मुतासर कर सकता है। अफगान तालिबान तर्जमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उस खत की तहकीकात कराएं जिसका इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान में मौजूद सियासी और जमहूरी बहरान हल हो सके।